नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आउटपुट और इनपुट टैक्स। आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसको ना थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, ओके, लाइक मैंने क्या कह दिया, मैं डोमिनोज हूँ। यहाँ पर मैंने परचेज करी किससे, फ्लिप से। मैंने फ्लिप से परचेज करी, कुछ भी परचेज करा होगा मैंने, लाइक मैंने क्या करे, ट्यूबलाइट्स वगैरह परचेज करी, ओके। फिर मेरे आगे कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को मैंने क्या करी है, सेल करी है पिज़्ज़ा अपने डोमिनोज वगैरह की जो आइटम्स हैं वो मैंने सेल करी। मैं कौन हूँ, डोमिनोज, वो अपने हिसाब से देख रहा हूँ। सो जब मैंने फ्लिप से परचेज करा था, फ्लिप से परचेज करने के टाइम पे मैंने क्या करा होगा, कुछ उसको पेमेंट करी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लाइट्स परचेज करी थी 10,000 रुपीज़ की, सो उसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज जीएसटी का पे करा होगा। सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम 10% का स्लैब लेते हैं, 10% का एक्चुअल में कोई स्लैब नहीं होता है। सो मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो गुड्स परचेज करी थी, जैसे ट्यूबलाइट परचेज करी है, सो उसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको, 10,000, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या करा, जीएसटी पे करा, जीएसटी फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 पे करा, टोटल कितनी पेमेंट कर दी मैंने, 11,000। बात क्लियर हुई। अभी क्या हुआ, कस्टमर से, कस्टमर को जब मैंने सेल करी है ना, कस्टमर को मैंने सेल करी है फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपीज़ की, ठीक है, जो मैंने मतलब टोटल वैल्यू जो थी मेरी वो कितने की थी, 1,00,000 रुपीज़ की। उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज हुआ है ना, वो जीएसटी चार्ज हो गया फॉर एग्जांपल मेरा 10,000 रुपीज़। टोटल वैल्यू कितनी होगी, 1.1 लाख रुपीज़, 10,000, मतलब 1,10,000 रुपीज़। बात समझ में आई यहाँ तक। मतलब मैंने क्या करा, मैं डोमिनोज हूँ, मैंने कुछ परचेज़ करी है फ़िलिप से, फ़िलिप से जब मैंने परचेज़ करी है तो उस पर सामान की वैल्यू थी 10,000 रुपीज़, गुड्स की वैल्यू, उस पर उन्होंने जीएसटी चार्ज करा, हमने एक एज्यूम कर लिया कि 1,000 रुपीज़ का। अभी मैंने आगे पिज़्ज़ा वगैरह बनाए, उसको सेल करा, तो उसको सेल करके क्या करा है मैंने, 1,00,000 रुपीज़ की सेल करी है। उसके ऊपर जो जीएसटी मैंने कलेक्ट करा है कस्टमर से, वो कितना करा है, 10,000 रुपीज़। अभी जो ये मेरा जीएसटी होता है, ये जो मैं सेल के टाइम पे चार्ज कर रहा हूँ, वो मेरा कौन सा जीएसटी कहलाता है, आउटपुट, आउटपुट जीएसटी कहलाता है, ठीक है, आउटपुट जीएसटी। जो सा मेरा जीएसटी, जो भी जीएसटी मैं परचेज के टाइम पे करता हूँ, वो मेरा कैसा जीएसटी कहलाता है, इनपुट। बात समझ में आई। सो यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, आउटपुट जीएसटी से ना मतलब ऐसा कभी कभी फील होता है कि जो जीएसटी मेरे पास से जा रहा है ना, जो जीएसटी मेरे पास आता है मैं उसको आउटपुट जीएसटी बोलता हूँ। मैं जीएसटी के वे पे नहीं बोलता हूँ उसको, मैं कहता हूँ जो मैंने आउटपुट किया, जो मैंने सामान आउट किया, जो मैंने सेल करी, उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज करा, वो जीएसटी आउटपुट जीएसटी, मतलब आउटपुट के ऊपर जीएसटी जो लगता है उसको मैं कहता हूँ आउटपुट जीएसटी। सो ये मेरे पास कस्टमर के पास से आया होता है, मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया होता है। इनपुट जीएसटी जस्ट इसका अपोजिट है, जो जीएसटी मैंने पे करा है किस चीज पे, सामान इनपुट करने पे, परचेज करने पे, तो वो वाला जीएसटी मेरा क्या कहलाता है, इनपुट जीएसटी कहलाता है। क्लियर है ये वाली बात। सो आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी समझ में आया यहाँ तक, ओके। अभी क्या करते हैं, ये वाला एग्जांपल आप एक बार पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे से आपको बात बताता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद अभी क्या हुआ, जो कस्टमर से आपने पेमेंट ली है ना, कस्टमर से जो आपने क्या करा है, पैसे लिए हैं, कितने लिए हैं, जीएसटी के नाम के 10,000 रुपीस। ये 10,000 रुपीस आपकी अपनी अर्निंग तो नहीं है, ये किसको पे करना है, गवर्नमेंट का। आपने कस्टमर से लिया है पैसा क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको कहा था कि भाई जब भी कोई चीज़ सेल करोगे ना, कस्टमर से पैसे ले लेना और वो पैसे मुझे दे देना। सो आपने क्या करा, 10,000 रुपीज़ कस्टमर से लिए, वो किसको दे दिए, गवर्नमेंट को। सो गवर्नमेंट को जब आप पे कर रहे हो तो कितना पे कर रहे हो 10,000 रुपीज़। गवर्नमेंट कहती है कि भाई ऐसा है, जब आपने परचेज करी थी ना उस टाइम पे आपने कुछ जीएसटी पे करा था, मैंने कहा, गवर्नमेंट मुझसे बात करने कहने लगी, आपने कुछ सामान भी तो खरीदा था, मैंने कहा फ्लिप से खरीदा था, उस पे जीएसटी पे किया था, मैंने कहा मैंने जीएसटी पे किया था कि 1,000 का पे किया था। गवर्नमेंट कहने लगी कि देखो वो जीएसटी आपने फिलिप्स को दिया था, अब फिलिप्स ने मेरे को दे दिया, क्योंकि फिलिप्स के लिए तो मैं कस्टमर हो गया था ना, डोमिनोज कस्टमर हो गया था। सो फिलिप्स ने क्या करा, वो डोमिनोज से टैक्स कलेक्ट करा और किसको दे दिया, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कह रही है देखो वो ना आपकी तरफ से एक तरह से मेरे पास आ ही गया है,
आपका पैसा, वो जो 1000 रुपीज़ थे वो आपने फ़िलिप्स को दिए थे, फ़िलिप्स ने मुझे दे दिए, तो मेरे पास आ गए। एक काम करो, वो पैसे आप वापस ले लो, कि परचेज़ पे जो आप GST पे करा होता है ना, गवर्नमेंट मुझे वापस कर देती है। कुछ इसके ऊपर रेगुलेशंस हैं, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, कितना मिलता है वो सब हम बाद में देखेंगे। जनरली अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट उसको सारा मुझे वापस कर देती है। गवर्नमेंट ने क्या कहा, पे तो मुझे कर दो 10,000 रुपीज़, और ये वाले जो 1,000 रुपीज़ थे ना, ये मुझसे ले लो, रिसीव कर लो। कितने? 1,000। समझ में आई? एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को 10,000 दे रहा हूँ और 1,000 ले रहा हूँ। मतलब दूसरी तरफ से क्या बोल सकता हूँ मैं, गवर्नमेंट को पे कितना कर रहा हूँ, 9,000 रुपीज़। एक्चुअल पेमेंट कितनी हो रही है मेरी, 9,000 रुपीज़ की पेमेंट हो रही है। मैं क्या करता हूँ, अभी ऐसे थोड़ा करूंगा ना गवर्नमेंट को, भाई पहले 10,000 ले लो फिर मुझे 1,000 वापस कर दो। नहीं, मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ 1,000 रुपये काट के मैं वापस आपको दे देता हूँ, 9,000 रुपीज़ दे देता हूँ। एक्चुअल पेमेंट मैं कितनी करता हूँ, इसमें जो आउटपुट GST होता है माइनस कर देता हूँ उसमें से इनपुट GST। जो अमाउंट आई है वो मेरी क्या आई है, टैक्स लाइबिलिटी की। इतना मुझे अभी क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST इज इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, अभी पहले इसको नोट कर लो, भूल जाओगे OITL क्या है। आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, मैंने जितना आउटपुट था उसमें से इनपुट का अपना पैसा वापस ले लिया, बाकी भी बचा हुआ मैंने जो टोटल लाइबिलिटी आई वो गवर्नमेंट को पे कर दी। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? रब कर दूँ इसको सब, आगे करते हैं। ठीक है, जो भी रह गया उसको नोट डाउन कर लेना, ये चला भी लिखे रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। यहां पे क्या हुआ, GST कंप्यूटेशन में कैसे लिखते हैं, मैं जब GST की कैलकुलेट करनी होती है, आउटपुट GST माइनस इनपुट, जो आउटपुट किसको कहते हैं, GST ऑन सेल्स को, और इनपुट किस पे कहते हैं, जो मैंने खर्चा करा या कुछ सामान परचेज करा है उस पे जो GST मैंने पे करा है उसको मैं कहता हूँ इनपुट GST। दोनों को माइनस करूंगा, मेरा जो लाइबिलिटी आ जाएगी कि मुझे कितना करना है उतनी मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में आई? अभी ना इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा हमें कैसे क्या करना है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब अभी क्या हुआ, सेल अमाउंट थी 1 लाख रुपीज़, मैंने सेल कितने की करी, 1 लाख रुपीज़, और परचेज कितने की करी थी, 80,000 रुपीज़ की। ठीक है, टैक्स रेट कितना है मेरा, 9%, 9%, मतलब टोटल मिला के मेरा 18% है, दोनों पे 9-9% है। तो अभी क्या करूँगा, कस्टमर से मैं चार्ज करूँगा 1 लाख के ऊपर कितना, 9-9%, और पे कितना करूंगा, 80,000 का सामान खरीदा है ना उस पे करूंगा 9-9%। बात समझ में आई? पहले तो ये कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई, एक्चुअल में मैंने पेमेंट कितनी कितनी करी है। चलो पहले मैं बात करता हूँ आउटपुट GST की, आउटपुट मतलब सेल पे, सेल थी मेरे पास 1 लाख रुपीज़ की, उसके ऊपर 9% का मैंने क्या चार्ज करा, CGST, 9% मतलब 9,000। SGST कितना, 9%, टोटल GST मेरा कितना आ गया, 18,000 रुपीज़ मेरा, ये इन दोनों का टोटल कितना आ गया, 18,000। इतना मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। हाँ भाई, लेकिन मैंने तो परचेज भी करा था, परचेज कितना करा था, 80,000 का, हाँ उस पर भी तो चार्ज कर दिया था उस सामने वाले ने मुझसे GST 9-9%, तो 7,200 क्या कर दिया था, GST चार्ज करा था। एक्चुअल में जो GST चार्ज हुआ वो कितना हुआ, 14,400 GST चार्ज हुआ। बात समझ में आई? मतलब जो मैंने GST पे करा होगा ना कस्टमर को, उसे जब मैंने सामान खरीदा होगा, परचेज करी होगी, उस टाइम पे GST पे करा होगा, वो कितना करा है, 14,400। अभी मुझे गवर्नमेंट को देने थे 18,000, लेने थे 14,400। गवर्नमेंट क्या कहेगी, भाई ये हिसाब जो लेने थे ना उसको कट करके बाकी मुझे दे दो। मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा और एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3,600। मैं गवर्नमेंट को कितना पे कर दूंगा, 3,600 रुपीज़ पे करूंगा। डन है, इस वाले को आप नोट कर लो, ये पहले इसको नोट कर लो आप, ठीक है, पॉज करके लिख लेना, नीचे ये क्वेश्चन पूरा आप नोट डाउन कर लो, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी हम दोनों तीनों तरीके के केसेस देख लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या केसेस आते हैं।